أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولى محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. कल सुबह 9 बजे से पहले मैं निकला था घर से, और फिर हम लोग गए फतेहपुर लहिया, और कल रात को 10 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं फतेहपुर लहिया से, और आज सुबह तकरीबन 7 बजे मैं लाहौर पहुंचा हूँ। 6:15 पे स्टेशन पे रास्ते में नमाज अदा की मस्जिद में फजर की, और 7, 7:15 बजे घर पहुँच 7:15 के करीब घर पहुंचा। तो रात का तकरीबन 10 घंटे का यह सफ़र था, और इसीलिए आज की क्लास को 10 बजे की जगह 11 बजे शुरू किया गया। कल सुबह मैंने गुजरांवाला जाना है, वहाँ एक निकाह पढ़ाना है इंशाल्लाह, वहाँ से वापस आना है, और जुमेरात की सुबह तुनसा और रेत्रा जाना है, वहाँ से इस्लामाबाद जाना है, फिर जुम्मा और हफ्ता की रात लाहौर में आऊँगा, फिर पीर को इंशाल्लाह चकवाल जाना है, और जुमेरात को इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका भला करे जलालपुर बाद यकुम तारीख को इंशाल्लाह ताला कराची जाना है। तो शब व रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अलकाहफ के कामों में बयानात में इन चीज़ों में गुजर रहे हैं। अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमाए और हम सब को भरपूर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बात चल रही थी नस्बत के बारे में। नस्बत मुझे और आपको तमन्ना बनाकर मांगते रहने की ज़रूरत है। अब मैं दुआ मांग रहा हूँ हम सब इस पर आमीन कहें। या अल्लाह हम सब को नूर निस्बत अता फरमा दीजिए, या इलाह हलालत का नूर अता फरमा दीजिए। निस्बत का नूर जब मिल जाता है तो कुछ ख़ास बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को मिल जाती हैं। जैसे जब आप लोग दरस निज़ामी से फारिग हो जाएं, तखस्सुस से फारिग हो जाएं, तो खुद कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं जो दरस जामी की होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, जो तखस्सुस की होती हैं जिस शोबे का तखस्सुस है वो आपको मिल जाती है। या आप MPhil करें, MA करें, BCom करें, MCom करें, या डॉक्टर बने, वकील बने, तो हर तरीके की मेहनत के बाद कुछ उस तरीके से मुतालिक कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं। हम अगर हम तदरीस तो पढ़ाने के कुछ अरसे के बाद हमें वहाँ से भी चीज़ें मिल जाती हैं, बल्कि जब हम तदरीस कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो हमने जो अपने पढ़ने में गलतियाँ कोताहियाँ की होती हैं वो हमें नज़र आ रही होती है कि हाँ जब मैंने पढ़ा था तो ये कमी रह गई थी, तो हमारी वो कमियाँ पूरी हो रही होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह तसव्वुफ़, बैत होना, ज़िक्र, मुराकबा और उसकी कैफियात, उसके असरात, और हत्ता कि इंसान अपने आप को उस मकाम तक पहुंचा देता है कि जब उसको निस्बत का नूर मिल जाता है, तो निस्बत का नूर मिलने के बाद भी कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं, चंद ऐसे औसाफ होते हैं जो तकरीबन हर साहिब निस्बत को कमी बेशी के साथ मिल जाते हैं। अब आज हम जिक्र करेंगे उन चीज़ों का जो निस्बत हासिल होने के बाद इंसान को मिल जाती हैं। साहिब निस्बत का एक वस ये है कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जिसके बाद गफलत नहीं होती। इस मकाम को मकाम फनाइयत कहते हैं। ये शख्स अल्लाह के जिक्र में ऐसा फना हो जाता है कि अल्लाह का गैर इसके दिल से कुल्ली तौर पर निकल जाता है। याद इलाही इसकी तबीयत सानिया बन जाती है।
इस कैफियत के बारे में हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इस शख्स की उम्र 1,000 साल हो जाए और पूरा 1,000 साल वो कोशिश करता रहे कि मैं अल्लाह ताला को भुला बैठूं, तो वो भुला नहीं सकता। भुलाना भी चाहो तो भुला ना सकोगे। ये कैफियत होती है कि इंसान अल्लाह की याद को भुलाना चाहने के बावजूद नहीं भुला सकता। ये अजीम कैफियत है जो अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको अता फरमाए। ये लोग एक लम्हा के लिए भी याद इलाही से गाफिल नहीं होते। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्ला। ये मेरे वो बंदे हैं, ये मेरे वो रिजाल हैं, मेरे खास वो लोग हैं जिनको तिजारत और खरीदो फरोख भी मेरी याद से गाफिल नहीं करती। तिजारत और खरीदो फरोख कहाँ पे होती है? मदरसे में, मस्जिद में, खानकाह में, ग्राउंड में, कहाँ होती है? खरीदो फरोख बाजारों में होती है, मार्केट में होती है, शॉपिंग मॉल्स में होती है। कि ये लोग जब मार्केट में खरीदो फरोख में भी कहीं होते हैं, तो याद इलाही इनके दिल से नहीं जुदा होती, इनके दिल वहां भी याद इलाही से आबाद रहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े बैठे लेटे हर हाल में मुझे याद करते हैं। जब इंसान को कैफियत मिल जाती है तो फिर अल्लाह ताला को नहीं भूल सकता। गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अल्लाह गो के मैं बहुत सारे कामों का रहन रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने पड़े, लेकिन अल्लाह आपकी याद से मैं गाफिल नहीं रहा। अल्लाह ये कैफियत मुझे और आपको, हम सबको अपने फजल से आता फरमाए। यहाँ एक ख्याल पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है कि इंसान अल्लाह को भुलाना चाहे तब भी ना भुलाए। एक शुबा पैदा होता है, अश्काल होता है, तो इसका जवाब सुन लीजिए। देखें, कान का जो वस्फ है ना, सुनना, हमारे कानों का क्या वस्फ है कि ये किसी भी आवाज को सुने। अगर कोई इंसान इस बात की कोशिश करे कि एक मेरे कान तो खुले हों लेकिन आवाज कोई ना अंदर आए, क्या वो ऐसा कर सकता है? जी बताइए। आंख का काम है देखना। अगर कोई ये कोशिश करे कि मेरी आंखें खुली भी हों और मैं कुछ ना देखूं, क्या ये मुमकिन है? नहीं। इसी तरह जब जिक्र करते 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 जिक्र दिल का वस बन जाता है, तो गफलत का आ जाना भी मुमकिन नहीं रहता। हमारे मशाइख ने इन कैफियात को इन अल्फाज में बताया, अल्फानी ला युरद्दू, अल्फानी ला युरद्दू, के फानी वापस नहीं हो सकता। अल्फानी लायुरद, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई आदमी बालिग होने के बाद दोबारा नाबालिग नहीं हो सकता, फल पक जाने के बाद दोबारा कच्चा नहीं हो सकता, इसी तरह जिक्र करके फनाइयत का मकाम हासिल करने वाला, अपनी रूहानियत को इस मकाम पर पहुंचा देने वाला, फिर अल्लाह ताला इसको लौटने नहीं देते, अल्लाह ताला इसको अपने प्यारों में शामिल फरमा देते हैं। तो मकामे फनाइयत एक वस बन जाता है नूर नस्बत मिलने के बाद। नूर नस्बत की एक और जो पहचान या एक वस कह लीजिए, वो है इस्तेहजार नियत। नियत का इस्तेहजार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सब ने ये हदीस पढ़ी और सुनी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियत पर है। लेकिन इसका इस्तेहजार क्या हमें हर वक्त रहता है? हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है, किसी को चाय भी पेश करते थे तो चाय देने से पहले नियत किया करते थे। हर काम में पहले नियत होती थी, हर काम में। तो हमारे अकाबरीन पहले नियत करना सीखते थे। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहले लोग नीयत को दुरुस्त करना इस तरह सीखा करते थे जिस तरह लोग अमल सीखते हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा नमाज के लिए गए, तो आपने जो लिबास पहना हुआ था, जो कमीज थी, वो जुब्बा, वो गलती से उल्टा पहन लिया। कभी हो जाती है गलती। चंद दिन पहले मैंने स्वेटर उल्टा पहन लिया, खैर उसी लम्हे एहसास हो गया, फिर उसको बदल लिया, को तो गलती हो सकती है बंदे से। तो एक शख्स ने देखा तो आपके कपड़े को देख के उसने अर्ज किया, हजरत आज आपका ना ये कमीज जरा आपने सही नहीं, इसको देख लीजिए जरा।
उन्होंने देखा तो फौरन आपने इरादा किया कि मैं इसको उतार के ठीक कर लूं, उसका रुख ठीक कर लूं, फिर फौरन रुक गए और ऐसे ही रहने दिया। बाद में उसी ने पूछा, हजरत आपको पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब मैंने बता दिया और आपने इरादा भी किया, लेकिन आपने कपड़े तब्दील नहीं किए, रुख तब्दील नहीं किया कपड़ों का, तो इसकी क्या वजह थी? उन्होंने फरमाया कि देखो, जब मैंने घर से निकलते हुए कपड़े पहने थे तो उस वक्त अल्लाह ताला की रजा की नियत करके पहने थे। अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए पहन रहा हूँ, अपने सतर को छुपाने के लिए पहन रहा हूँ, जीनत के लिए पहन रहा हूँ, इसलिए पहन रहा हूँ कि आपकी नेमत मेरे पास है, लोगों को इसका असर नजर आए, अल्लाह शुक्राने के तौर पर पहन रहा हूँ, अल्लाह सुन्नत के मुताबिक पहन रहा हूँ कि लिबास को सही पहनने का हुक्म है, तो इस मेरी नीयत थी अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए पहन रहा हूँ, लेकिन जब तुमने मुझे बताया और मैंने कपड़ा बदलना चाहा तो नीयत पर गौर किया, तो फौरन मुझे ये ख्याल आया कि ओहो, मेरी नीयत तो ये थी कि गैर को ठीक लगे, तो फिर मैंने कहा सुबह वाली नीयत मेरी ज्यादा ठीक थी, इसलिए मैंने इसको टेढ़ा ही रहने दिया, जैसा है बस ठीक है। साहिब इसका ये नस्बत का ये वस्फ बन जाता है कि हर काम में अपनी नीयत का इस्तेहजार रहता है। वजह क्या होती है? वजह एक ही है कि वो हर काम में अल्लाह ताला की रजा का तालिब रहता है, वो हर काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा का तालिब रहता है। हजरत मौना याकूब नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबरीन में से थे। एक मरतबा वो किसी तालिब इल्म को गलती पर सजा देने लगे और उसे को एक दो थप्पड़ लगाए। जब बच्चे को थप्पड़ लगे तो रो कर कहने लगा, हजरत मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें, मुझे अल्लाह के लिए ना मारें। हजरत ने फरमाया, खुदा के बंदे, तुझे अल्लाह ही के लिए तो मार रहा हूँ, और मार किसके लिए रहा हूँ मैं? अल्लाह ही के लिए तो तुझे मार रहा हूँ। तो मालूम हुआ कि उनका ऐन गुस्से के वक्त भी किसी को मारना डांटना ये अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता था। अल्लाह ताला ये कैफियत सारी मुझे और आपको हम सबको आता सब। साहिब नस्बत का एक वस्फ और भी है, वो क्या है? मईयत इलाही का इस्तेहदार, अल्लाह ताला की मईयत का इस्तेहदार। अब कुरान की आयत है, हुआ माअकुम अइनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। तुम समंदर की गहराई में चले जाओ, जमीन की पस्तियों में चले जाओ, आसमान की रिफतों में चले जाओ, पहाड़ों की बुलंदियों पर चले जाओ, तुम कहीं चले जाओ, वह हुआ माअकुम अइनमा कुंतुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ। अब ये कुरान है, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, अगर ये कैफियत ना हो तो फिर ये ख्याल करो कि वो तुम्हें देखता है। लिहाजा ये साहिब नस्बत हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने साथ पाता है, मईयत को इस्तेहजार रखता है। सहाबा कराम उनकी शान तो ये थी कि मईयत इलाही की ये कैफियत नबी अलैहिस्सलाम की पहली ही मुलाकात में हासिल हो जाती थी, लेकिन बाद के ज़माने में अब सूफिया कराम जो तसव्वुफ़ सुलूक की मेहनत करवाते हैं तो फिर हम लोग इसको हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत तसव्वुफ़ क्या है? तो आपने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तसव्वुफ़ की इब्तिदा है, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, ये तसव्वुफ़ की मुंतहा है, तसव्वुफ़ का मुंतहा है, इसी को निस्बत कहते हैं। तसव्वुफ़ की ज़ुबान में इसको याददाश्त भी कहते हैं और कहीं इसको हुजूरी भी कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि बैत क्यों की जाती है, क्या ज़रूरत है शेख की बनाने की, पीर बनाने की? भाई इसलिए बैत होते हैं कि वो मशाइख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माइयत हासिल करने का तरीका बता देते हैं। जिस बंदे के अंदर माइयत इलाही का इस्तेहजार पैदा हो जाए वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में रहता है। इसी कैफियत को हदीस पाक में अफजलुल ईमान बताया गया। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला की रिवायत है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अफजल ईमान ये है कि तू इस बात को जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे साथ है, तू कहीं भी हो। अफजलुल ईमान अन तअलम अन अल्लाह मअक हीनमा कुंता, कि अफजल ईमान ये है कि तुम इस बात को जान लो कि तुम जहां हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो इस अफजल ईमान को हासिल करने की तमन्ना करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
एक हदीस में नबी सलाम ने फरमाया कि तू अल्लाह की हिफाजत कर, तू अल्लाह ताला को अपने सामने पाएगा, गोया हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का ध्यान रहेगा। इसका एक वाक़या भी सुन लीजिए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक मरतबा जंगल में पड़ाव डाला या वहाँ गुजर रहे थे, एक नौजवान को देखा तो बकरियाँ चरा रहा था और तनहाई थी, वो अकेला था, बकरियाँ थी और कोई नहीं था। आपने कहा ओ भाई हमारे साथ कुछ खा लो। कहने लगा अना साइम, मैं रोजेदार हूँ। जब उसने ये बात कही तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला बड़े हैरान हुए कि जंगल की इस तन्हाई में इसको कोई देखने वाला भी नहीं है, नौजवान रोजा रखे हुए और इतनी गर्मी है और बकरियां भी चरा रहा है। तो आपने सोचा मुझे इस शख्स को आजमाना चाहिए। आपने थोड़ी देर बाद उसे बुलाया, फरमाया कि भाई देखो तुम्हारे पास इतनी सारी बकरियां हैं, एक बकरी हमें दे दो, पैसे ले लो, हम इसको ज़िबह करके खाएंगे और तुम भी अफ्तारी के वक्त के लिए कुछ रख लेना, तो अफ्तारी भी तुम्हारी हो जाएगी, पैसे भी तुम ले लो, एक बकरी हमें दे दो। वो नौजवान, वो साहिब निस्बत नौजवान, वो कहने लगा कि जनाब ये बकरियां मेरी नहीं, मैं तो चरवाहा हूँ, ये मेरे मालिक की हैं। उमर ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि इतनी सारी बकरियां, इतना बड़ा रेवड़, एक बकरी का तेरे मालिक को क्या पता चलेगा। जब उन्होंने ये फरमाया इम्तिहान लेने के लिए तो कहने लगा अच्छा अगर मेरे मालिक को नहीं पता चलेगा तो फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह को तो पता चल जाएगा। तो ये वाक्य आप लोगों को सुनाया करते थे और फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नौजवान के दिल में कैसा ईमान रख दिया था कि वो जंगल में तन्हाई में भी ये कहता था फाइन अल्लाह। काश हमने इतना दीन का इल्म हासिल कर लिया, इतना हमें दावा है दीन को समझने का, हम गुनाहों के मौके पे फाइन अल्लाह कहने के आदी बन जाएं, हम अल्लाह की नाफरमानी के किसी भी मौके पे फाइन अल्लाह कहने वाले बन जाएं, तो फिर हमारे इन सारी मेहनतों का रंग जो होगा वो कुछ और ही होगा। ये जो उलमाए किराम है ना और जो मशाइखे किराम है, इनके बारे में एक निस्बत बताई जाती है कि दीन जो है ये रंग की मानिंद है और उलमाए किराम ये रंग बेचते हैं और सूफिया किराम ये रंग चढ़ा देते हैं। यानी शरीयत एक रंग है, उलमाए किराम से वो हासिल होता है और मशाइख उस रंग को हमारे ऊपर चढ़ा देते हैं। सिबगतुल्लाह, ये जो अल्लाह ताला का रंग है ये हमारे ऊपर चढ़ जाए। तो तसव्वुफ की जो मेहनत होती है कि ये रंग जो हमने मदारिस से हासिल किया, मेहनत से इल्म हासिल करके रंग तो हमारे पास आ गया, अब मज़ा, ये मज़ा तब आएगा जब रंग हमारे ऊपर चढ़ भी जाए। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बैत हुए और शेख ने तीसरे ही दिन उन्हें खिलाफत दे दी। अब 3 दिन के अंदर ही जो खिलाफत मिल गई तो बाज़ पुराने जो लोग थे जो हजरत के यहाँ बहुत अरसे से आते थे रहते थे, कहने लगे हजरत ये तो अभी का बच्चा है, 3 दिनों में इसे नेमत मिल गई, हम भी तो इतने मुद्दतों से आपकी खिदमत में पड़े हैं, आते हैं, हम पर भी नजरे करम फरमा दें। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ने फरमाया अच्छा आपको समझाएंगे। दूसरे दिन उन्होंने बहुत सारी मुर्गियां मंगवाई और उन तमाम लोगों को दे दी जिन्होंने एतराज़ किया था। एक बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को भी दी और सबको फरमाया कि जाओ इस मुर्गी को ऐसी जगह पर ज़िबह करके लाओ जहां तुम्हें कोई न देखे। चुनाचे कोई दरख्त के पीछे ज़िबह करके लाया, कोई कमरे में, कोई दीवार के पीछे, तो सब ने छुप कर ना मुर्गियाँ ज़िबह की और सब लोग अपनी मुर्गियाँ ज़िबह करके ले आए हजरत के पास। लेकिन बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर बाद आए और रोना शुरू कर दिया और मुर्गी भी उनके हाथ में ज़िंदा थी। हजरत ने पूछा भाई रो क्यों रहे हो, और मुर्गी भी तुम ज़िबह नहीं कर सके। वो कहने लगे हजरत आपने फरमाया था किसी ऐसी जगह पर जाकर ज़िबह करना जहाँ कोई ना देख रहा हो, मगर हजरत मैं जहाँ भी गया मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा था जिसकी वजह से मैं मुर्गी ज़िबह नहीं कर सका और यूं आपके हुक्म को मैं पूरा नहीं कर सका। उस वक्त हजरत ने बाकी मुरीदीन की तरफ मुखातिब होकर फरमाया देखो इसी कैफियत की वजह से इसे मैंने ये जल्दी नेमत दे दी। अब जरा कुरान मजीद की आयत को गौर कीजिए, अलम यालम बि अन्ना अल्लाह यरा, अलम यालम बि अन्ना अल्लाह यरा, क्या ये नहीं जानता कि अल्लाह हमें देख, अल्लाह देख रहा है, देख
हम ये जानते तो हैं ना कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा, लेकिन ये मज़ा तो तब आएगा जब गुनाहों के वक्त, नाफरमानी के वक्त ये ख्याल हमें फौरन आ जाए और हम गुनाहों से बच जाएं। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की सच्ची माफ़ी मांगें और अपने अंदर माइयत इलाही की ये कैफियत पैदा करने की, इस कैफियत को हासिल करने की कोशिश करें। साहिब निस्बत को जो बहुत सारे इनामात मिलते हैं, उनमें से एक इनाम ये है कि ये अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। एक जुमला ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए, अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं और औलियाए कराम महफूज होते हैं। अंबियाए कराम मासूम होते हैं और औलियाए कराम ये महफूज होते हैं। इन निस्बत की बरकत होती है कि अल्लाह ताला इनको वो हिम्मत दे देते हैं कि ये लोग अपने इल्म और इरादे से नाफरमानी नहीं करते। अगर गलती से, गैर इरादी तौर पर या बशरी तकाजे के तहत इरादतन भी कोई गलती हो जाए तो रुजू इल्लाह में जल्दी करते हैं, इस्तग़फ़ार जल्दी करते हैं, माफ़ी जल्दी मांग लेते हैं। इसी निस्बत का नूर इनके गुनाहों के असर को बहा के ले जाता है, इसीलिए कहते हैं कि औलिया कराम महफूज होते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारों को गुनाहों की जिल्लत से निकाल लेते हैं। जैसे बाप अगर अपने बेटे को देखे कि गलत किस्म के लोगों में खड़ा है तो उसकी कोशिश होती है कि फौरन इसे एक बुरे माहौल से निकाल दे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला इन बंदों पर भी रहमत फरमा देते हैं, नफ्स और शैतान के गलबे से निकाल देते हैं। कभी कुछ हो जाता है तो फिर ये फौरी तौर पर तौबा की निस्बत पर आ जाते हैं। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है अपने मकातिब में कि इस उम्मत में ऐसे ऐसे परहेजगार औलिया गुजरे हैं कि 20-20 साल तक गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को इनके गुनाह लिखने का मौका ही नहीं मिला। 20-20 साल तक गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को इनके गुनाह लिखने का मौका ही नहीं मिला। और हमारी कैफियत क्या होती है कि हम एतिकाफ में भी गुनाह कर रहे होते हैं। जब दारुल देवबंद का संगे बुनियाद रखा जाने लगा तो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने ऐलान फरमाया कि मैं दारुल उलूम का संगे बुनियाद एक ऐसी शख्सियत से रखवाऊंगा जिसने कबीरा गुनाह तो क्या करना, कबीरा गुनाह करने का दिल में इरादा भी पैदा नहीं होता उनके। लोग बड़े हैरान हुए कि ऐसे कौन से बुजुर्ग हैं। तो दारुल उलूम देवबंद का इफ्तिताह का जो संगे बुनियाद था वो किसने रखा था, ये कौन बुजुर्ग थे? हजरत मौलाना असगर हुसैन कांदलवी के मामू शाह हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम था शाह हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो मुन्ने शाह के नाम से मशहूर थे। कद उनका जाहरी तौर पर छोटा था लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बड़ा था। इनका अब नाम आ गया तो एक वाकया भी सुन लीजिए। ये हजरत शाह हुसैन अहमद यानी मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह हर साल में दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा किराम की एक दावत किया करते थे। गरीब थे, घास काट के बेचा करते थे, इतने वसाइल नहीं होते थे, तो पूरा साल थोड़ी थोड़ी बचत करके ना, मामूली मामूली सी, साल में इतने पैसे जमा कर लेते कि एक मर्तबा दारुल उलूम देवबंद के उलमा की दावत करते। और दावत कैसी होती थी, हमारी तरह की नहीं होती थी कि कई चीज़ें, चावल सादा से उबाल लिए, हल्का फुल्का कुछ इंतहाई सादा, गुंजाइश जैसी होती थी वो दावत कर लेते थे। अब जरा अगली बात सुने, उनकी कमाई इतनी पाकीज़ा और हलाल और तय्यब थी कि दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा के फरमाते हैं कि हम सारा साल इंतज़ार करते थे कि कब मुन्ने शाह की तरफ से दावत आएगी, हम जाएंगे, कि जब हम उनके बाद एक खाना खाकर अपने घरों में वापस आ जाते तो 40 दिन तक हमें अपनी नमाजों की हुजूरी में इजाफा महसूस होता और हमें फायदा महसूस होता। आज मेरा और आपका मसला पता है क्या है, ये कैफियत मुराकबे के बावजूद हमें नहीं मिल पाती। हमारी गिजा में बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी कमाई में बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे जो अंदर जा रहे हैं ना, अल्लाह तो फरमाते हैं कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाकीज़ा खाओ नेक अमाल करो, ये एक जोड़ है। हमारे अंदर जो जा रहा है ना, जो हमारी कमाई है, जो हमारा रिस्क है, इसकी इतनी तफसील है। पैसा हमारा बैंकों के जरिए घूम के आ रहा है और जो हम फल अपने पैसों से खरीद के खाते हैं,
अब वो पता नहीं पीछे बे फासिद है या नहीं है, और विरासत के मामलात में और दूसरे लेन देन के मामलात में इतना हम खराबी में आ चुके हैं कि अल अमान वल हफीज, कि किसी भी नेक और मुत्तकी आदमी को भी हलाल का वो दर्जा हासिल करना जो हमारे अकाबरीन के पास रहा है बहुत मुश्किल हो गया। और हजरत जी हमारे शेख हजरत पीर हाफिज उल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी नौबत बरकातुल आलिया फरमाते हैं कि हमारे अपने ही बड़े, जिनके आज हम छोटे हैं, हमारे अपने बड़े हलाल से पेट नहीं भरते थे और हराम या मुश्तबे से पेट भर लेते हैं। वो हलाल से भी पेट नहीं भरते थे और हम मुश्तबे से भी पेट भर लेते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी का खा लिया, ये फलां खा लिया, जायके के लिए चटखारे के लिए खाना है और इसकी परवाह नहीं करनी कि क्या खा रहे हैं। हमारे बड़े से भी एहतियात करते थे, हम तो बाजार के खाने चटपटे मजेदार और शौक से खाते हैं और बड़े फख्र से खाते हैं और तमन्ना रखते हैं दोबारा भी खाएंगे। हमारे काबरीन बाजार के खानों से एहतियात किया करते थे। तबलीगी जमात मर्दों की जो होती है, 10 लोग होते हैं कमोबेश, निकलते हैं अपने घरों से, कोई 3 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 40 दिन के लिए, कोई 4 महीने, कोई 7 महीने, कोई 1 साल, मुख्तलिफ अवकात के लिए निकलते हैं। आप सबको मालूम होगा कि ये मर्द हजरात जो अपने घरों में खाना नहीं पकाते, ये तबलीग में जब निकलते हैं तो मस्जिदों में अपना खाना खुद पकाते हैं। होता क्या है, 10 लोगों की जमात है, 2 आदमियों की ड्यूटी लगती है खाने पकाने की, बर्तन धोने की, सब्जियां लाने की, काटने की, दस्तरखान लगाने की, उठाने बिछाने की, सारी 8 आदमी काम कर रहे होते हैं। अब बने एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये मुमकिन था ना कि अगर ये तरतीब बनाई जाती कि ये 10 के 10 काम करें जिस काम के लिए निकले हुए, 8 काम ना करें और ये जो 2 हैं ये भी काम करें ताकि काम ज्यादा हो और खाना बाजार से आ जाए। जिस मस्जिद में जाते हैं करीब में कोई होटल भी तो होता होगा ना, कि नहीं होता होगा, तो खाना ये बाजार से खा लें, तो जो अपना वक्त बचाएंगे 2 लोग, तो ये 2 लोग फिर दीन का ज्यादा काम कर सकेंगे। अभी अगर ये 80% काम कर रहे हैं तो 100% आ जाएगा, यानी 80 पर 10 आदमियों की जमात है, 8 आदमी काम पे लगे हुए, तो 80% स्ट्रेंथ लगी काम पे और 20% लगी इन 8 लोगों के खाने पीने पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दें लिख के, क्या ये मुमकिन था या नहीं कि ये 2 लोग भी काम करते और बाजार से खाना आ जाता, जवाब दीजिए। कोई भी जवाब नहीं दे रहा, आपका ख्याल है कि मुमकिन नहीं था, चलो जवाब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल मुमकिन था, लेकिन क्यों नहीं किया कि घर का पाकीज़ा अपने हाथ का बना हुआ खाना खाना है, बाजार के खानों से बचना है। अब एक वाक्य और सुन लीजिए, बल्कि 2 सुन लीजिए। एक वाक्य तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक है। हज़रत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह को 9 साल की उम्र में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की खिलाफत और निस्बत मिल गई थी। अच्छा यहाँ एक बात और समझें, हर जिस बंदे को खिलाफत मिल जाए तो निस्बत साथ साथ मिल जाती है, लेकिन हर साहिब निस्बत को खिलाफत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ जो नेमत असल है ना, वो खिलाफत नहीं है। लोग खिलाफत को असल समझते हैं, असल खिलाफत नहीं है, असल निस्बत है। ये गहरी बात है, लोगों को समझ में कम आती है, असल निस्बत है। तो जब खिलाफत मिलती है तो निस्बत ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन असल निस्बत है। और बहुत से साहिबी निस्बत ऐसे होते हैं उन्हें कोई नहीं जानता, ना उनके पास खिलाफत होती है। खिलाफत एक इंतजामी चीज़ है, निस्बत असल चीज़ है, निस्बत। अच्छा तो हजरत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह 9 साल की उम्र में उन्हें सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की खिलाफत और निस्बत मिल गई थी। अब 9 साल भी बचपन ही होता है, लेकिन उससे पहले का वाकया एक है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद-उल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मस्जिद से नमाज के बाद बाहर निकले तो देखा कि सीधे हाथ पे जूतियां बड़ी तरतीब से लगी हुई हैं और उल्टे हाथ पे भी कुछ जूतियां हैं जो बड़ी तरतीब से लगी हुई हैं। फिर कशफन उनको मालूम हुआ कि सीधे हाथ पर जो इनकी जूतियां लगी हुई हैं ये अहले जन्नत हैं, और उल्टे हाथ पर जिनकी जूतियां लगी हुई हैं ये पहले जहन्नम में जाएंगे बाद में जन्नत में जाएंगे। उनको इस तरीके का कश्फ हुआ। इस कश्फ के बाद हैरान हो गए कि भाई ये किसने किया, मालूमात नहीं। तो पता ये लगा कि छोटा बच्चा मासूम, नाम उनका मासूम था,
ये आ रहा था, खेल रहा था जूतियों से, कुछ जूतियां इधर कर दी कुछ उधर कर दी। अब लोगों को तो नहीं पता। अब हजरत ने जब कशफन ये मालूम कर लिया तो बहुत परेशान हुए कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस सवाल का जवाब मैं आपको भी देता हूं। अच्छा देखें, वो जो बात हो रही थी कि ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब को अंदाजा हो गया, तो उन्होंने अपने शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि अगर मेरा बच्चा है और छोटी सी इसकी उम्र है और इसको ये कश्फ है, उनका मेरे पास भेज दो। तो ये रहते थे सरहिंद शरीफ में और वो थे दिल्ली में। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को अपने एक उस्ताद, मदरसे के उस्ताद या किसी साथी के साथ दिल्ली भेजा, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास। और वहाँ उन्होंने क्या किया, उनको बाजार का खाना खिलवा दिया, बाजार की चाय कोई चीज़, बाजार की चीज़ खिला पिला दी। वो जो उनका कश्फ था वो फौरन ख़त्म हो गया, फौरन। हजरत शेख पीर हाफिज़ अल्फ़िक़ार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुल आलिया फरमाते हैं कि उस जमाने के सैकड़ों साल पहले बाजार के खाने पीने से अगर कैफियत खत्म हो सकती हैं, तो आज हमारे जमाने के बाजार के खाने पीने से ईमान सल्ब होने का खतरा है, वो भी हो सकता है। कैफियत तो बहुत मामूली चीज है, ये भी सल्ब हो सकती है। तो बाजार के खानों में नुकसान बहुत हैं। देखें हमारे घर में जो हमारी वालिदा खाना पकाती हैं, जिक्र फिक्र के साथ, याद इलाही के साथ, तकवा के साथ, पर्दे के साथ, तो उस खाने की बरकत उसमें शामिल होती हैं, ये तो हम सब मानते हैं। बाजार में जब हम देखते हैं तो गाना बजाना, म्यूजिक, और वो उनको पता नहीं नमाज पढ़ना तो दूर की बात, कितनों को फर्ज गुसल महीनों गुजर जाते हैं, उनका फर्ज गुसल पूरा नहीं होता, जनाबत की हालत में होते हैं। तो उन सारी नहूसतों के साथ वो खाना हमें मिलता है। बाजार का खाना ज्यादा लजीज होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि घर में चीज़ों की सफाई अच्छे तरीके से की जाती है, वो मिट्टी, गंद, खून, पता नहीं क्या क्या खून से मुराद गोश्त जो साफ कर रहे होते हैं तो खून लगा होता है, तो वो भी पका देते हैं और टेस्टी हो जाते हैं। तो बाजार के खाने हर तरीके से नुकसानदेह हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपने लिखा है कि माजरत के साथ हजरत जी जो जमात बाहर के मुल्क में जाती है वो कुकिंग नहीं करती, इसको ना समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी बाज़ जमातें ऐसी हैं, इनके खाने बड़ी बड़ी दावतों से आते हैं, इकराम करते हैं, तो इसमें कई कैफियत हैं। कई बहुत अमीर लोगों की जमाते हैं वो ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां उनके कारोबारी दोस्त उनके लिए दावतें करते हैं। पठानों के इलाके में चले जाएं, ये मेहमान नवाज लोग होते हैं, ये बर्तन खुलने नहीं देते और इकराम करते हैं। और इसी तरीके से बाहर मुल्क का भी यही सिलसिला है कि ये जिन्होंने भी लिखा है इन्होंने अपने हिसाब से ठीक लिखा है, जो इनको मालूम हुआ होगा कि इनके मर्द हजरात ये आए होंगे या गए होंगे तो उनके साथ ये हुआ होगा। लेकिन ये एक दो जम बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के तबलीगी जमात के उसूल की बात कर रहा हूँ। उसूल क्या है, उसूल यही है कि अपना खाना खुद पकाते हैं। मेरे चचा के बेटे हैं हाफिज मोहम्मद आदिल शकील, हजरत जी के खलीफा भी हैं, कराची में हैं, अलकाफ के जिम्मेदारों में से हैं, अभी उम्रे पे गए कल परसों, वो सेरा लियोन गए थे और अपना उनका 7 महीने का वो सफर था, 4 महीने के लिए अफ्रीका के मुल्क, अपना खाना आटा दाल चीनी यहाँ से पाकिस्तान से लेके गए थे। और फिर रास्ते में उन्होंने कुछ कीनिया से खरीदा, नहीं कहाँ कहाँ से क्या लिया। तो जमात की पूरी तरतीब तो वही है। हाँ कहीं पे कुछ लोग इकराम करें, एक मस्जिद में जमात गई और इलाके वालों ने कहा जी हम आपको खाना भेजेंगे, तो वो कहते हैं ठीक है। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इलाके वालों के साथ जोड़ पैदा हो जाए, और वो घरों से बना के भेजते हैं कि बाजारों से लेते हैं, आमतौर से उनकी वो भी घरों से बना के लाते हैं। अब बैरूने सफर में आजकल जितनी मुश्किल आ गई हैं, पहले जो मुझे खुद याद है हम मक्का मुकरमा से जमजम के 10-10 लीटर के कई कई केन ले आते थे एक आदमी, अब 5 लीटर का एक छोटा सा केन एक आदमी को मिलता है। तो अब मुश्किलात बहुत हो गई हैं। अब उन मुश्किलात में इन्होंने बाहर जाना है तो दो चीज़ें हैं, या तो क्या कहते हैं इतना खाना लेके जाएं जिसको ले जाना मुमकिन है तो गोया के ना जाएं, या फिर ऐसे ही चले जाएं
और वहां जाकर उनके जो क्या कहते हैं, मतलब असल तो दीन की मेहनत है ना, वो करनी है, तो उसके लिए जो बेहतर से बेहतर ऑप्शन होता है वो करते हैं। बहरहाल ये जो आपने लिखा ना कि इनकी इनकम के जराए पूछ लेते हैं, ये एक अलग मामला है। तो ओवरऑल जो भी है, खाना खाना घर का होने की पूरी कोशिश होती है, और अक्सर का हुक्म कुल का होता है। बाद जगह पे बाद इस्तेसना रहेंगे, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अक्सर हमारे अकाबरीन की बात यही है, और कुरान मजीद के अंदर अस्हाबे कहफ के वाक़े में भी यही मिलता है, फल यंजुर अय्युहा अज़का तआमा, कि भाई बाजार जब जाओ तो देखभाल के लाना, जो पाकीज़ा हलाल हो वही लाना। कुरान की आयत से भी मालूम होता है कि बाजार की हर चीज़ पाकीज़ा नहीं होती। तो बहरहाल तो घर के खानों की बड़ी बरकत होती है। अच्छा जी, जब हमें निस्बत का नूर मिल जाता है किसी भी बंदे को, तो उसको एक चीज़ और मिलती है। बस ये आखिरी बात करके, ये दो बातें रह गई, फिर मैं बात मुकम्मल करता हूँ। सुबह से लोग मुझे देख रहे हैं, को मीटिंग दर मीटिंग को सामने, कि जी मैं फारिग हूँ तो वो मेरे पास आए। अल्लाह अकबर, ये जो तो आखिरी दो बातें हैं ना, मकरूहात शरिया मकरूहात तबिया बन जाती हैं, मकरूहात शरिया मकरूहात तबाइया बन जाती हैं, मदा और जम बराबर हो जाती है। कोई हमारी तारीफ करे या हमें बुरा भला कहे, नो प्रॉब्लम, ये दो कैफियत भी मिलती हैं। अब इनके बारे में जरा चंद बातें सुन लीजिए। निस्बत की बरकत से इंसान का शरीयत पर अमल करना आसान हो जाता है, अहकामात शरीयत बोझ नहीं बनते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके नफ्स का तकाजा बन जाते हैं। हदीस सुन लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी तमाम ख्वाहिशात तबअन इस दीन के ताबे ना हो जाएं जो मैं लेकर आया हूं। फिर सुन लीजिए, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसकी तमाम ख्वाहिशात तबअन इस दीन के ताबे ना हो जाएं जो मैं लेके आया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिक्र का असल मकसद ये है कि इंसान की रग रग और रेशे रेशे से गुनाहों का खोट निकल जाए। जिक्र का तसव्वुफ का असल मकसद यह है कि इंसान की रग रग और रेशे रेशे से गुनाहों का खोट निकल जाए। बाद मशाइख ने इसी कैफियत को दिल का जारी होना कहा है, ये दिल का जारी हो जाना है। लेकिन बाद सालिक, राह सलूक के चलने वाले को सालिक कहते हैं, सलूक पर चलने वाला, वो ये समझते हैं कि दिल का जारी होना को दिल की जाहिरन धड़कन होती है। जी, दिल की धड़कन यानी दिल की अल्लाह अल्लाह भी इंसान को महसूस होती है, मगर याद रखें, फकत अल्लाह अल्लाह की कैफियत मतलूब नहीं जब तक कि आज़ा उसका आमली सबूत न दें। अगर कोई सालिक यूं कहे कि मुझे अल्लाह अल्लाह की कैफियत तो हासिल है मगर मेरे जिस्म से गुनाह भी होते हैं, शरीयत और सुन्नत की खिलाफ वर्जी भी मैं करता हूँ, तो फिर क्या होगा, इस अल्लाह अल्लाह वाली कैफियत का एतबार नहीं किया जाएगा। तसव्वुफ की इब्तिदा यह है कि इंसान को अपने दिल से अल्लाह अल्लाह का इदराक महसूस हो, और उसकी इंतहा यह है कि उसके जिस्म पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम जारी हो जाएं, गोया कि इस शख्स का जिस्म दिल के काबू में आ जाए, दिल पर अल्लाह ताला के अहकाम जारी हो जाएं, और दिल के अहकाम जो हैं वो बंदे के जिस्म के ऊपर, आदा के ऊपर जारी हो जाएं। इस कैफियत को कहते हैं कल्ब का जारी होना। लिहाजा साहिब निस्बत इंसान जिन चीज़ों को शरीयत ने करने का हुक्म दिया उन पर अमल करने की दिल से कोशिश करता है, और जिन चीज़ों से मना किया उनसे वो मारे बांधे नहीं तबान नफरत करता है, मकरूहात शरईया मकरूहात तबाइया बन जाती हैं। हमारी और साहिब निस्बत की मिसाल समझ लीजिए, अगर कोई शख्स बीमार हो और उसकी भूख उड़ जाए, डॉक्टर कहते हैं अच्छी गिजा खाओ, अब वो मरीज डॉक्टर के कहने पे गिजा तो खाता है लेकिन मजबूरी में खाता है, मज़ा नहीं आ रहा होता, मजबूरी में जबरन खा रहा होता है। इसके बरस जो सेहतमंद हो और उसे भूख भी लगी हुई हो, उसके सामने गिजा है, वो रग़बत के साथ खाएगा और गिजा से मज़ा भी लेगा। इसी तरह आम आदमी की इबादत मारे बांधे होती है, चलो नमाज का वक्त आ गया, पढ़नी तो है, फ़र्ज़ तो है, अब बस जल्दी से पढ़ लो, लेकिन साहिब निस्बत की इबादत क्या होती है, वो शौक के साथ कर रहा होता है और उसमें उसे इबादत का मजा आ रहा होता है।
तो रूहानी तौर पर सेहत के कामिला की हालत को निस्बत कहते हैं। तो जी सवाल है, और रहमान और रहीम पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, जितना मर्जी पढ़े, अल्लाह पाक के नाम है, बरकत ही बरकत है। और मदा और जम बराबर हो जाती है मुसलसल मुजाहिदे से। अब इसका एक वाकया सुन लीजिए, इस वाकये को मुकम्मल करके मैं दुआ कराता हूँ इंशाल्लाह। हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद में से हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, फकीहुल उम्मत थे, और जब तालीम से फारिग हो गए तो दिल में आया कि थाना भवन जाऊं और हाजी इमदादुल्लाह महाजर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक दिन रहकर आऊं। जैसे तलबा जाते हैं दुआओं के लिए अल्लाह वालों के पास, तो मिलने जियारत के लिए गए। मुलाकात हुई तो मुलाकात की थोड़ी देर बाद वापसी की इजाज़त मांगी। हाजी साहब ने कहा, मियाँ रशीद अहमद आप कुछ दिन हमारे यहाँ भी ठहरें। तो थोड़ा सा उन्हें तरद्दुद किया, लेकिन कहा चले ठीक है मैं ठहर जाता हूँ। हाजी साहब रहमतुल्लाह ने खादिम से फरमाया कि भाई मियाँ रशीद अहमद की चारपाई हमारी चारपाई के करीब डाल देना, बस इसी में काम हो जाना था। अब सब लोग सो गए। फरमाते हैं हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो मेरी आंख खोली, मैंने देखा कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई दुआएं, कोई सजदा। खानकाह की अजीब कैफियत थी। फरमाते हैं कि मेरा दिल तो ये चाहता कि सोया रहूं, मगर दिल ने कहा रशीद अहमद वरासतुल अंबिया में शमूलियत की तमन्ना तो तुम्हें भी है, और अंबिया कराम तो कानू कलील मिन अल्लैल मा यहजउन वबिल असहारि हुम यस्तग़फिरून, रात को कम सोते और आखिर रात में इस्तिग़फार किया करते। कहते हैं कि बहरहाल मैं उठा और मैंने भी वजू किया, नमाज पढ़ी, और जैसे लोग जिक्र कर रहे थे मैंने उनकी देखा देखी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। हाजी साहब रहमतुल्लाह ने जब मुझे देखा तो फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद अगर जिक्र करना ही है तो सीख के क्यों नहीं करते, गजा सिखा दीजिए। अब ये बैत हो गए। फरमाते हैं कि बैत होने के बाद मेरी हालत बदल गई और 40 दिन मैंने वहीं गुजारने का इरादा किया, हजरत ने भी रख लिया। अब तकरीबन ये मेहनत रही और तकरीबन 1 महीने के बाद हजरत हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की साहब ने दावत की, और उस दावत में हजरत मौलाना फजल रहमान गंज फजल फजल रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह भी शरीक थे। अब ये लोग खाने पे गए तो हजरत हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही को भी साथ ले लिया रहमतुल्लाह अलैह। दस्तरखान लग गया। अब दस्तरखान पे मुर्गे भी, चरगे भी, खाने पीने, दाल रोटी, मुख्तलिफ चीज़ें थीं। तो हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हाजी साहब को एक प्लेट में थोड़ी सी दाल दी और रोटी दे के कहा मियाँ रशीद अहमद जरा साइड पे उधर बैठ के खा लो। अब खुद खा रहे हैं मुर्गे, उनको 2 रोटियां दे दी, थोड़ी सी दाल दे दिया और कहा जरा साइड पे हो जाओ। अब एक इतने बड़े आलिम को लोगों के सामने ऐसे किया जाए तो नफ्स पे चोट पड़ती है, ये इतना मजाक नहीं है। अब जब खाना चल पड़े, दौराने खाने हाजी साहब हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मियाँ रशीद अहमद मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमान को देख के फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद ये तो हमारा तुम पर एहसान है, मियाँ रशीद अहमद ये तो मेरा तुम पर एहसान है कि तुम्हें दस्तरखान के कोने में बिठाया, वरना तुम्हारी तो औकात जूतियों में बैठने की भी नहीं थी। अब भरे मजमे में लोगों के सामने एक मुफ्ती को, आलिम दीन को कोई यूं कहे तो नफ्स पे कैसी चोट पड़ती है। हम में से कोई होता तो कहता शेख के अंदर तो मुसावात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तकब्बुर से भरे हुए हैं। लेकिन उधर नफ्स मर चुका था और उन्होंने फौरन अर्ज किया, हजरत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकईतन आपने एहसान किया कि मुझे दस्तरखान के कोने में बिठाया, मैं तो वाकईतन जूतियों में बैठने के भी काबिल नहीं हूँ। अब हजरत ने तो टेस्टर लगाया था और वो इम्तिहान था, उसमें वो कामयाब हो गए। खैर बाद में हजरत ने फिर उनको खिलाफत भी अता फरमा दी। मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हजरत मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे खिलाफत दी जाए, मुझे तो अपने अंदर कुछ नजर नहीं आता, मुझे तो अपने अंदर कुछ नजर नहीं आता। हाजी साहब ने फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद तुम्हें ये इजाजत और निस्बत दी ही इसीलिए कि तुम्हें अंदर कुछ नजर नहीं आता, अगर तुम्हें नजर आ रहा होता तो ये न दी जाती। खैर ये वाकयात हुए, फिर साल 2 साल कुछ वक्त गुजरा,
एक मरतबा हाजी इमदादुल्ला महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अभी जो चंद 3-4 मिनट रह गए ना, ये आज की मजलिस का खुलासा है, लुब्बे लुबाब है। गंगो गए, गंगो में मियाँ रशीद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और हाजी साहब ने उनसे एक बहुत टू दी पॉइंट सवाल पूछा। पूछा, मियाँ रशीद अहमद ये बताओ कि बैत होने से पहले और बैत होने के बाद तुम्हें अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस हुई? बड़ा उसूली सवाल था। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर सोचते रहे, फिर फरमाने लगे, हजरत मुझे अपने अंदर तीन तब्दीलियां नजर आई। कितनी? तीन। अब इनको सुन लीजिए। फरमाया, अर्ज किया कि बैत होने से पहले कई मरतबा मुझे मुताले के दौरान अशकालात पेश आते थे, उसके लिए हाशिया देखना पड़ता, शुरुआत देखनी पड़ती, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, तब अशकालात दूर होते। अब जब से बैत हूँ अशकाल पेश ही नहीं आते, खुद ब खुद रफा हो जाते हैं। जहन में अल्लाह ताला जवाबात डाल देते हैं, ये अशकाल ही नहीं आते, आते हैं तो अल्लाह तक जवाब डाल देते हैं। पहला फ़ायदा ये हुआ। दूसरा, अब शरीयत के जो भी अहकाम हैं उन पर अमल करने के लिए मुझे अपने नफ्स को तैयार नहीं करना पड़ता, बेसाख्तगी के साथ अहकाम शरीयत पर अमल करता रहता हूँ। दूसरा क्या बताया? अब शरीयत के जो भी अहकाम हैं उन पर अमल करने के लिए मुझे अपने नफ्स को तैयार नहीं करना पड़ता, बेसाख्तगी के साथ अहकाम शरीयत पर अमल करता रहता हूँ। तीसरा, तीसरी तब्दीली ये पेश आई कि दीन के मामले में हक बात कह देता हूँ, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। हाजी साहब रहमतुल्लाह सुना तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ रशीद अहमद, दीन के तीन दर्जे हैं, दीन के तीन ही दर्जे हैं। अब हाजी साहब की बातें सुने जो बहुत ही कमाल की हैं। फरमाया कि दीन का पहला दर्जा इल्म है, और इल्म का कमाल यह है कि आदमी को नुसूसे शरईया में कहीं तआरुज नजर ना आए। दीन का पहला दर्जा इल्म है और इस इल्म का कमाल यह है कि आदमी को नुसूसे शरईया में कहीं तआरुज नजर ना आए। अगर ये कैफियत है तो फिर इल्म कामिल है। दूसरा दर्जा अमल है, दूसरा दर्जा अमल है, और अमल का कमाल ये है कि मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाएं। जिन चीज़ों से शरीयत ने मना किया है, शरीयत ने कराहत की है, तो तबीयत भी उनसे कराहत करे, ये अमल का कमाल है। तीसरा दर्जा इखलास है, तीसरा दर्जा इखलास है। पहला इल्म, दूसरा अमल, तीसरा इखलास। इखलास क्या है कि इंसान खालिसतन लिवजहिल्ला अमल करे, हत्ता के मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी न रहे, लोगों की मदा और दम ये बराबर हो जाए इंसान की नज़र में, ये इखलास का कमाल है। तो हाजी साहब ने फरमाया कि मौलाना मियाँ रशीद अहमद मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको इल्म में भी कमाल अता फरमाया, अमल में भी कमाल अता फरमाया और इखलास में भी कमाल अता फरमाया। ये तीनों कमालात अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सबको अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि नबी उमील करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह अपनी रहमत से हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम परेशानियों और गमों को तकलीफ़ों को अपनी रहमत से दूर फरमा। या अल्लाह हमारे आने वाले हर वक्त को पहले से बेहतर फरमा, तमाम हाजरीन की तमाम दिली और नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। रब करीम अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी। या अल्लाह पूरे अलकहफ अकेडमी को कबूल फरमा, बनात बनीन ऑन साइट ऑनलाइन सबको और तमाम शुबों को कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, विफाक ने इम्तिहान हो चुके हैं, या अल्लाह नतीजा आने वाला है, अल्लाह सबको जिन बच्चियों ने इम्तिहान दिए सबको कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी सब लोग मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं सबकी दुआओं को कबूल फरमा, तमाम हाजरीन की दिली नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सबको
मौत से पहले पहले निस्बत का नूर आता फरमा, नूर निस्बत आता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही। या अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। रब्बे करीम अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही अजमाईन। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।